इजावेणी महोत्सव में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने करोड़े की सौगात दी और महिला सशक्तिकरण की बात को दोहराया। धामी ने कहा, महिलाओं के उत्पाद बेचने के लिए हिमालय हाउस बनाए जाने पर विचार किया जा रहा है। हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 713 करोड़ की विभिन्न योजनाओं की सौगात नैनीताल जिले को दी। इस दौरान इजावेणी महोत्सव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समाज में बेहतर कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि ऐसा पहली बार हुआ है जब इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं को सम्मानित करने का मौका मिला है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। जल्दी कई और योजनाएं महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए सरकार लेकर आएगी। महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को बेचने के लिए हिमालय हाउस स्थापित किए जाने पर विचार किया जा रहा है। हमारे राज्य के अंदर आज हमारी जो मातृशक्ति है वो बहुत तेजी से हर क्षेत्र में काम कर रही है, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, स्थानीय उत्पाद बनाने के माध्यम से, और जहां वो स्वयं उत्पाद बना रही हैं उसके साथ अनेक अनेक लोगों को रोजगार देने का भी काम कर रही है। इजावेणी महोत्सव हमारी जो मातृशक्ति है उसको प्रोत्साहन देने के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनको एक स्थान मिले, एक अच्छा विपणन का उनके लिए बाजार मिले और हमारे जो उत्पाद हैं उनको अब राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिले, उसके लिए हम बहुत जल्दी हमारे मंत्रिमंडल ने हमने फैसला कर लिया है कि हम एक बड़ा कोई नाम लेकर, जिसको कि हिमालय हाउस जैसा कोई नाम लेंगे, उस नाम के अंतर्गत सारे प्रोडक्टों को लाएंगे और उसकी अच्छी ब्रांडिंग करेंगे, जिससे कि सबको एक अच्छा बाजार मिलेगा और उनके जो उत्पाद हैं वो आसानी से बाजार को उपलब्ध हो पाएंगे, उनको भी अच्छी, उनकी आजीविका बढ़ेगी, व्यापार बढ़ेगा। आज जो है ये कई हजार करोड़ की योजनाएं हैं और निश्चित रूप से ये सारी योजनाएं जो है हमारी आज जहां नैनीताल जनपद को, उसी के साथ प्रदेश को भी विकास का एक नया रास्ता और राज्य को आगे बढ़ाने का। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।